हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अपनी पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में अपना पज़ल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उस पज़ल में मैंने आप लोग को उसमें क्या बताया था, पूरा बेसिक बातें बता दी थी पज़ल की, ठीक है। और क्या क्या था, हमने दो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहीं पे सॉल्व करवाया था उस वीडियो में, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। तो आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और एक नया क्वेश्चन इसी पैटर्न का हम पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को इस पैटर्न की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा हिंदी पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा इंग्लिश पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिक्स बॉयज, ठीक है। ये क्या है, छह लड़के दिए हुए हैं, ठीक है। ईच बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट सिटी, ये क्या है, अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिल्ली से, आगरा से, कानपुर से, लखनऊ से, शिमला से और जयपुर से, छह जगह का नाम दिया हुआ है स्थान का, ठीक है। क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर ज़रूरी नहीं कि वे ऐसे ही क्रम में आए कि पहले दिल्ली ही आए, फिर आगरा ही आए, फिर कानपुर ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। और क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड इन अ डिफरेंट बैंक, ठीक है। प्रत्येक क्या है, अलग अलग बैंक में सिलेक्शन लिए। अब क्या क्या आ गया, देखो पर्सन आ गया एक तो, ठीक है, एक क्या आ गया, सिटी आ गया, हमारा प्लेस आ गया, और एक क्या आ गया, बैंक आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बैंक कौन कौन से हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और यस बैंक, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि बैंक भी उसी क्रम में आए, ठीक है। अब देखो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, हमारा डे था, डे कैसे दिया हुआ था, मंडे से संडे ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे ऐसे करके हमने इसे अरेंज कर लिया था, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसे कुछ दिया है क्या, जिसमें लगे कि ये हमारा फिक्स ही आएगा कि शहर ऐसा ही आएगा कि बैंक ऐसा ही आएगा, ठीक है, हमें नहीं पता। हम क्या लेके चलेंगे, हमेशा जब ऐसा डे मंथ ईयर ऐसा हमें कुछ पता नहीं रहेगा कि किसे अरेंज करना है, तो हम किसे लेके चलेंगे, हमेशा पर्सन को, ठीक है। ये मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या लेके चलते हैं, पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्सन, कौन कौन से आ गए, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये छह के आ गए पर्सन आ गए। यहाँ पे हम लिख लेंगे सिटी, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, ऐसे अलग अलग हम लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब पढ़ते जाते हैं हम, जैसा जैसा बोलते जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को अब हम आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है इन्फॉर्मेशन में, बी बिलोंग्स टू जयपुर बट डिड नॉट गेट सेलेक्टेड इन आइदर एक्सिस और PNB, ठीक है। बोल रहा है कि बी कहाँ से बिलोंग करता है, जयपुर से, तो हम बी में लिख लेंगे, बी की सिटी क्या आ गई, जयपुर, ठीक है, बी की सिटी क्या आ गई, जयपुर, हमने लिख लिया बी की सिटी जयपुर। और बोल रहा है कि ये एक्सिस बैंक से भी नहीं आना और पंजाब बैंक से भी नहीं आना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्सिस भी नहीं आना, यहाँ पे PNB भी नहीं आना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डी डज नॉट बिलोंग आइदर टू दिल्ली और टू लखनऊ, डी कहाँ से नहीं आता, डी के पास दिल्ली भी नहीं आएगा, डी के पास लखनऊ भी नहीं आएगा, हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बट गॉट सेलेक्टेड इन SBI, इसका सिलेक्शन कहाँ पे हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने लिख ली, ठीक है, ये सिर्फ जैसा जैसा बोलते जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, और द वन हु गॉट सेलेक्टेड इन एक्सिस बैंक, अब बोल रहा है कि जिसका क्या है, एक्सिस बैंक में सिलेक्शन हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग नहीं करता है, जयपुर से, ठीक है, वो जयपुर से नहीं आता, तो जयपुर वाला यहाँ तो एक्सिस बैंक आना नहीं, और यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे पहले ही लिख लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द वन हु गॉट सेलेक्टेड इन यस बैंक, अब बोल रहा है कि जो यस बैंक वाला है उसका, ये जो यस बैंक में जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो क्या बोल रहा है, डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, द वन हु गेट सेलेक्टेड इन यस बैंक बिलोंग्स टू लखनऊ, यस बैंक वाला कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
लखनऊ से, ठीक है। हमने लिख के रख लिया क्योंकि हमें यस बैंक भी नहीं पता और लखनऊ भी नहीं पता, तो हमने लिख लिया कि जो यस बैंक जाएगा वो कहाँ रहेगा, लखनऊ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ़ डिड नॉट गेट सेलेक्टेड इन एक्सिस बैंक। एफ़ कहाँ भी नहीं आना, एफ़ नहीं जाता है एक्सिस बैंक में, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। आइदर सी और एफ़ गॉट सेलेक्टेड इन HDFC। अब बोल दिया कि या तो सी का या फिर एफ़ का, दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कहाँ पे हो गया है, HDFC में। तो हमने लिख लिया या तो सी जाएगा HDFC या तो एफ़ जाएगा HDFC, ठीक है। अब बोल रहा है एफ़ डिड नॉट, सॉरी, बट नाइदर ऑफ देम बिलोंग्स टू शिमला और लखनऊ। मतलब सी और एफ़ दोनों ही कहाँ नहीं जाना, शिमला और लखनऊ। सी नहीं जाना शिमला पे, सी नहीं जाना लखनऊ पे, ठीक है। सी नहीं जाना शिमला पे, सी नहीं जाना लखनऊ पे। अब क्या बोल रहा है, इतना हो गया, सी और एफ़ दोनों शिमला और लखनऊ नहीं जाते। ए बिलोंग्स टू कानपुर। अब इसने बता दिया ए कहाँ से बिलोंग करता है, कानपुर से। हमने CAN करके लिख लिया, ठीक है। इसे अच्छे से लिख लेते हैं हम, CAN। ए कहाँ जाता है, कानपुर। एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन आइदर पंजाब नेशनल बैंक और HDFC। देखो अब पंजाब बैंक भी आ सकता है यहाँ पे, HDFC। पर इसने ऊपर पे एक इन्फॉर्मेशन ये वाली हमने नोट कर रखी थी, क्या कि सी और एफ में से ही एक क्या रहेगा, HDFC। तो ए HDFC आ सकता है क्या, नहीं। तो ए क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। ए कहाँ आ गया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और बोल रहा है एफ़ डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। एफ़ कहाँ से बिलोंग नहीं करता है, दिल्ली से। तो यहाँ पर क्या नहीं आना, दिल्ली नहीं आना, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आना, दिल्ली। हमने ये लिख लिया यहाँ पे, दिल्ली भी नहीं आना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो इसे अच्छे से लिख लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है ना। ये लिख लिया हमने दिल्ली। अब देखो, अब यस बैंक वाला कहाँ से है, लखनऊ से, ठीक है। तो यस और लखनऊ मतलब दो प्लेस खाली चाहिए, दो यहाँ पे दिख रही, पर यहाँ पे क्या है, लखनऊ आना नहीं, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे लखनऊ आना नहीं, तो यस बैंक यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। दो प्लेस यहाँ पे खाली दिख रही है, पर यहाँ पे भी लखनऊ आना नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यस बैंक के लिए कौन सी प्लेस बची, ये वाली, ठीक है। यस बैंक यहाँ पे आ जाएगा, तो लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना। अब ये वाला इन्फॉर्मेशन तो यूज़ हो गया। अब सी और एफ़ में से कोई एक HDFC बैंक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो अब देखते हैं, शिमला यहाँ पे भी नहीं आना, शिमला, देखो शिमला लिखा हुआ है, ये शिमला, शिमला यहाँ पे नहीं आना, ये शिमला यहाँ पे भी नहीं आना। तो शिमला डेफिनेटली कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। शिमला के लिए कौन आ गया, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे इसने एक और बोल रखा है, दिल्ली यहाँ पे नहीं आना, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे नहीं, तो दिल्ली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे। अब बचा क्या, दिल्ली आगरा, देखो आगरा बचा हुआ है, तो आगरा आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये सिटी, सिटी तो हमारे सारे अरेंज हो गए, ठीक है। अब बैंक की पारी आएगी, ठीक है। सी और एफ में से क्या बोल रहा है, कोई एक HDFC बैंक है, ठीक है, हमें नहीं पता। अब देखो एक्सिस बैंक दिया है यहाँ पे, एक्सिस बैंक यहाँ पे आना नहीं, एक्सिस बैंक यहाँ पे आना नहीं, तो एक्सिस बैंक कहाँ पर आ जाएगा, एक्सिस बैंक आ जाएगा यहाँ पे, एक प्लेस बची, ठीक है। एक्सिस बैंक ये हो गया। अब देखो दो प्लेस बची है। अब बोल रहा है सी और एफ़ में से एक HDFC है, सी तो आ गया एक्सिस बैंक, तो HDFC कौन आ जाएगा, एफ़ आ गया HDFC। बचा कौन सा बैंक, HDFC हो गया, ICICI बचा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ICICI बैंक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये अब हमने अपनी इस पज़ल को सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जा रहा था हम वैसा वैसा करते जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने क्या किया, अपना इसको पज़ल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी और कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेना। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में ये रहा, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 स्टूडेंट्स ऑफ द ऑफ अ स्कूल, ठीक है। ये 7 बंदे हैं, विद्यार्थी हैं एक स्कूल के, ठीक है। ईच ऑफ देम स्टडीज इन अ डिफरेंट क्लास, ठीक है। सभी क्या है, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, क्लास 2 से क्लास 8 तक का, ठीक है। सेकेंड क्लास से 8th क्लास तक के, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम पे हो, ठीक है। ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। प्रत्येक को क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री, GK और कंप्यूटर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम पे हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आ गया, एक तो मिल गया हमें पर्सन, ठीक है। एक मिनट,
एक तो मिल गए हमें पर्सन, ठीक है, एक मिल गया हमें क्लास, ठीक है, क्लास भी कहाँ, 2 से 8 तक का, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही हो 2 से 8 तक का, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट मिल गए, ठीक है। अब मैं किसे जमाऊँगी, देखो मंथ रहता तो वो कैसे आना, वैसे ही मंथ जैसा रहता है वैसे ही आना, डे रहता है तो वो भी वैसे ही आना, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे इसमें, पर्सन लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे या क्लास लेंगे, क्लास लेंगे, ठीक है। इसने बोल रखा है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर हम क्या लेके चलेंगे, क्लास को ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का हम ऐसे जमा लेंगे, फिर जैसा जैसा बोलते जाएगा क्लास के लिए वैसा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं रहता और कुछ रहता तो हम डेफिनेटली पर्सन लेके चलते, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, अब क्या लेके चलते हैं, हम क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लास 2, एक मिनट, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। ये क्लास आ गया, ठीक है। क्लास के बाद क्या आना है, पर्सन आना है, और क्या आना है, सब्जेक्ट आना है, ठीक है। और ये क्या रहेगा हमारा, निगेटिव, ठीक है। 3 कॉलम हमने बना लिए। अब जैसे जैसा बोलते जाएगा क्वेश्चन पे, हम वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। क्या बोल रहा है, बी स्टडीज़ इन क्लास 7th, बी कहाँ पढ़ता है, क्लास 7th में, तो हमने 7th पे लिख लिया बी, ठीक है। बट ही डज़ नॉट लाइक बायोलॉजी और क्या, कंप्यूटर, ठीक है। बी, बी को पसंद नहीं है, क्या क्या पसंद नहीं है, बायो और कंप्यूटर, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे बायो और कंप्यूटर। अब क्या बोल रहा है, सी लाइक्स इंग्लिश एंड डज़ नॉट स्टडी इन क्लास 5th, ठीक है, और क्लास 3rd, क्लास 3rd पे सी नहीं आना, क्लास 5th पे सी नहीं आना, पर सी को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है, हमने लिख लिया सी को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, ई स्टडीज़ इन क्लास 8th, अब क्लास 8th पे कौन सा व्यक्ति आ गया, ई आ गया, ठीक है, एंड लाइक्स हिंदी, अब ई को क्या पसंद है, हिंदी, ठीक है, हमने इसे लिख लिया। और क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स GK स्टडीज़ इन क्लास 2nd, ठीक है, GK वाला कहाँ पढ़ता है, क्लास 2nd पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GK, ठीक है, तो GK वाला कहाँ आ गया, क्लास 2nd पे, ठीक है। अब बोल रहा है डी स्टडीज़ इन क्लास 4th, क्लास 4 पे कौन आ जाएगा, डी, हमने लिख लिया क्लास 4 पे डी। जी लाइक्स सिविक्स, ठीक है, अब जी को क्या पसंद है, सिविक्स, हमें पता है क्या जी कहाँ पे, नहीं, तो हम लिख लेंगे जी क्या है, जी को सिविक्स पसंद है, ठीक है। ए डज नॉट स्टडीज़ इन क्लास 2, ठीक है, हमने लिख लिया ए कहाँ नहीं पढ़ता है, क्लास 2nd पे नहीं पढ़ता, ठीक है, 2nd क्लास पे ए नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है द वन हु लाइक्स कंप्यूटर स्टडीज़ इन क्लास 5th, क्लास 5th वाला को क्या पसंद है, कंप्यूटर, ठीक है, हमने लिख लिया क्लास 5th पे कंप्यूटर, ठीक है। अब बोल रहा है देखो सी यहाँ पे नहीं आना, सी यहाँ पे नहीं आना, ठीक है। अब सी को इंग्लिश पसंद है, तो सी अगर यहाँ पे ले लूँगी तो यहाँ तो जी आ गया, तो सी यहाँ पे भी नहीं आना, ठीक है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, सी की ले की प्लेस बची, यहाँ पे सी के आ गया इंग्लिश, ठीक है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई। अब क्या बोल रहा है, देखो जी को क्या पसंद है, सिविक्स, अब जी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, जी को तो जी के आ जाएगा, फिर जी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे तो कंप्यूटर आ जाएगा, तो जी की ले की प्लेस बची, यहाँ पे जी को क्या पसंद आ गया, सिविक्स, ये वाली भी इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, देखो अब यहाँ पे ए यहाँ पे आना नहीं, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा पर्सन बचा, ए हो गया, बी सी डी ई एफ बचा, तो एफ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। पर्सन क्या हो गए हमारे, अरेंज हो गए, देखो क्लास हो गया, पर्सन हो गया, अब क्या बचा, सब्जेक्ट, बायो और कंप्यूटर आना नहीं, कंप्यूटर तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो बायो यहाँ पे आना नहीं, तो बायो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। बचा कौन सा सब्जेक्ट, देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट बच गया हमारा, इंग्लिश था हो गया, हिंदी था हो गया, सिविक्स था हो गया, बायो था हो गया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं हुआ, तो केमिस्ट्री आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सिर्फ इसने जैसा जैसा बोला हमने क्या किया, वैसे वैसे अरेंज कर लिया, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी हमारी निगेटिव पॉजिटिव वाली, उससे क्या किया हमने, क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारी निगेटिव हो गई थी, नीचे हमने जो लिखा था वो हमारा इन्फॉर्मेशन था पॉजिटिव, ठीक है। सी
सी कहाँ पड़ता है, इंग्लिश पे, ठीक है, जी सिविक्स पे। इससे हमने क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पज़ल सॉल्व हो कि ये आंसर हमें मिला है, ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ ये जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता है हम वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक है। फिर जो इन्फॉर्मेशन बचती है उस पर ही हमें हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत रहती है, फिर हमारी पज़ल सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में आराम से ये सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर समझा रही हूँ इसलिए मुझे वक्त लग रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड अप करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। एक नया पज़ल हम कल सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, नए टाइप की पज़ल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली पज़ल अब मुझे उम्मीद है कि जब भी क्वेश्चन में आएगी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय।